बीते रविवार नोएडा के गार्डन्स गैलेरिया मॉल में दो पक्षों के झगड़े की खबर सामने आई है। वहीं अब इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भाजपा युवा मोर्चा के नेता के बेटे को उसके तीन साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने फायरिंग में इस्तेमाल की गई अवैध पिस्टल को बरामद भी किया है। वहीं इसी के साथ गिरफ्तार किए गए लोगों में एक की पहचान भाजपा नेता और बुलंदशहर जिले की खुर्जा नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन के बेटे संचित बंसल के रूप में हुई है। मैं आपको बता दें कि नोएडा स्थित गार्डन्स गैलेरिया मॉल के बार में रविवार को डांस को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। इस मामले में आरोप है कि भाजपा नेता संचित बंसल ने मामूली कहासुनी के बाद अपने दो साथियों के साथ उस युवक पर जानलेवा हमला कर दिया और वो फायरिंग करते हुए मॉल के पार्किंग तक आ गया। किसी तरह युवक ने अपनी जान बचाई। वहीं इस पूरे मामले पर एसीपी प्रवीण सिंह ने कहा कि मुख्य आरोपी संचित जिन साथियों के साथ आया था उनमें से एक का रविवार को बर्थडे था। घटना के समय संचित पक्ष के सभी लोग शराब के नशे में थे जबकि दूसरे पक्ष के लोगों ने शराब नहीं पी थी। पीड़ित अमित दिल्ली के द्वारका के शोरूम में काम करता है। वहीं संचित बंसल राजनीतिक घरानों से जुड़ा हुआ है। आरोपी शिखर शर्मा का सोने का और यश मित्तल का ग्रोसरी का कारोबार है। जांच के दौरान ये भी पता चला है कि गिरफ्त में आए आरोपी अक्सर गार्डन्स गैलेरिया मॉल में पार्टी करने के लिए आते थे। मैं आपको बता दें कि संचित बंसल के पिता खुर्जा नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। वहीं संचित वर्तमान में भाजपा युवा मोर्चा से जुड़ा हुआ है। वहीं इसी के साथ पुलिस का कहना है कि आरोपी बरामद पिस्टल का लाइसेंस नहीं दिखा सके हैं। उनके द्वारा बताया गया कि पिस्टल चोरी की है। आरोपी ने बताया कि वो अपने पास पिस्टल आत्मरक्षा के लिए रखता था। घटनास्थल पर मौजूद लोगों का कहना है कि संचित के साथियों ने फायरिंग करने से रोका भी था पर वो नहीं माना और सरेआम फायरिंग कर दहशत फैला दी। वही घटना के बाद अब गार्डन्स गैलेरिया परिसर में अफरा तफरी देखने को मिली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।